दोस्तों क्या आप ढूंढ रहे हैं बजट फ्रेंडली इंडिपेंडेंट हाउस? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिर्फ 55 लाख में इंडिपेंडेंट 3 BHK, वो भी फुल्ली फर्निश्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, फुल्ली फर्निश्ड प्रॉपर्टी आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिर्फ 55 लाख में 90 गज पे बना हुआ 3 BHK इंडिपेंडेंट हाउस। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना एड्रेस में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 55 लाख में आज ये प्रॉपर्टी आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशली, वो भी बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट हाउस 3 BHK। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का जो एलिवेशन है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। 90 गज के हिसाब से काफ़ी सुंदर एलिवेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है, बड़ा सा रैंप यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आपके पास कोई छोटे साइज की गाड़ी है इजीली आप पार्किंग में उसको पार्क कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक ग्रीन एरिया आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो इसको सिटिंग एरिया की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है इसका पार्किंग एरिया और यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। उसके अलावा अगर यहाँ देखेंगे एक सिक्योर जो जाली है लोहे की वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। अगर आप अपना इन्वर्टर यहाँ रखना चाहें, जैसे आप देख सकते हैं पानी की जो मोटर है वो वहाँ पे रखी गई है, तो एक सिक्योरिटी आपकी मिल जाती है आपके इन्वर्टर को और आपके वाटर पंप को। और यहाँ पे आता है इसका मेन एंट्री डोर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैश डोर आपको दिया गया है, तो एक अच्छी जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो आपके ग्राउंड फ्लोर को मिलती रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, मैश डोर के बाद यहाँ पे आता है इसका मेन एंट्री डोर। अगर आप देखेंगे काफ़ी बड़े साइज का मेन एंट्री डोर यहाँ पे आपको मिलने वाला है और इवन डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल जाता है मेन एंट्री डोर पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसके अंदर। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आ चुके हैं हम हमारी मेन एंट्री की तरफ, यानी कि हमारे ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की तरफ। और फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग बताया था फुल्ली फर्निश जो ये घर है वो आपको मिलने वाला है। अभी आपको फर्नीचर नहीं दिख रहा, बट जब आप इस घर को लेंगे यानी कि इस घर की डिलीवरी आपको मिलेगी तो फुल्ली फर्निश ये घर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ आप देखेंगे बड़ी सी विंडो आपको मिल जाती है, स्टील के जो बार्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए। उसके अलावा प्री फिटेड एसी की जो पाइपलाइन है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है, आप देखेंगे फॉल्स सीलिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। इवन ऑलरेडी जो फैन है वो यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किए गए हैं। उसके अलावा जो सीलिंग पे आप देखेंगे जो LED लाइट्स हैं वो आपको मिल जाती हैं, यानी कि कंसील लाइट्स आपको मिल जाती हैं। और ठीक सामने यहाँ पे आता है इसका मॉड्यूलर किचन, आप देखेंगे L शेप की जो किचन है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये स्पेस रहेगा आपके फ्रिज के लिए। उसके अलावा स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जाती है, आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर भी स्टोरेज आपको मिल जाती है, नीचे भी स्टोरेज आपको मिल जाती है। ये स्पेस रहेगा आपके हॉब के लिए और प्रोविजन मिल जाता है आपको चिमनी के लिए, डबल सिंक आपको मिल जाते हैं वॉशिंग के लिए। और ठीक सामने यहाँ पर विंडो आपको मिल जाएगी और इस विंडो से डायरेक्ट आपको व्यू मिल जाता है आपके मेन गेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये था इस घर का ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। और जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया फुल्ली फर्निश्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। उसके अलावा एक यूनिक फीचर पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी ये आपको मिलने वाली है, जो कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया था। घर के ठीक सामने यहाँ पर एक पार्क आपको मिलने वाला है जो कि बहुत ही जल्द ऑपरेशनल हो जाएगा, तो जिसके बाद एक ग्रीन एरिया आपको मिल जाएगा और आपकी पार्किंग की समस्या है वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है कहीं ना कहीं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है हमारा फर्स्ट बेडरूम हमारे ग्राउंड फ्लोर का। 2 बेडरूम आपको मिलने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर पर। यहाँ अगर आप देखेंगे 90 गज के हिसाब से काफी अच्छा स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है बेडरूम का। इवन यहाँ अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है और यहाँ पर फुल हाइट की जो स्लाइडिंग वार्डरोब्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। इवन यहाँ भी आपको फॉल सीलिंग आपको मिलने वाली है, कंसील लाइट्स आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आता है इसका अटैच वॉशरूम और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, सनलाइट के लिए बड़ी सी जो विंडो है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे आता है हमारा सेकंड बेडरूम, यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ भी एक अच्छा स्पेस आपको मिलने वाला है, सेम साइज का इवन सेम स्टाइल का जो बेडरूम है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। यहाँ भी फॉल सीलिंग आपको मिल जाएगी, इवन यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया आपको मिलने वाला है। तो 90 गज का घर है बट यहाँ पर छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखा गया है। और अगेन यहाँ पे स्लाइडिंग फुल हाइट की जो वार्डरोब है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, इवन एसी की प्री फिटेड पाइपलाइन वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। इवन एक छोटा सा जो बैकयार्ड एरिया है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, इस बड़े सी डोर से आपकी एक्सेस आपको मिल जाती है आपके बैकयार्ड में जाने के लिए, जहाँ आप वॉशिंग मशीन का जो सेटअप है वो कर सकते हैं। और एक क्रॉस वेंटिलेशन पूरे ही घर को मिलती रहेगी और यहाँ पे आता है इसका अटैच वॉशरूम। और उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर 3 BHK मिलने वाला है फिलहाल, बट अगर आप चाहें अपनी जरूरत के अनुसार इसको इससे ज्यादा भी कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, बट फिलहाल हम आपको 3 BHK देने वाले हैं। तो इसी स्टेयर से आपको एक्सेस मिल जाती है आपके फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। अगेन यहाँ अगर आप देखेंगे जैसा कि हमें ड्रॉइंग और डाइनिंग एरिया मिला था, सेम साइज का एरिया यहाँ भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पे
बड़ी सी विंडो यहाँ पे आपको मिलने वाली है ठीक आपके इस रूम के सामने, तो यहाँ भी प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलती रहेगी। फॉल सीलिंग अगर आप देखेंगे यहाँ भी आपको फॉल सीलिंग मिलने वाली है, और इवन यहाँ पे एक काफी बड़े साइज की एक अलमीरा दी गई है, एक एक्स्ट्रा अलमीरा यानी कि एक एक्स्ट्रा स्टोरेज आपको मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको एल साइज की जो एल शेप की किचन है वो यहाँ पे मिलने वाली है, बट अनफॉर्चुनेटली ये मॉड्यूलर किचन नहीं रहेगा। इसका सेटअप आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं, बट यहाँ पे स्लैब और वॉशिंग एरिया वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, बट यहाँ भी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको मिल जाती है आपके किचन में। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे आप बाहर निकलते हैं यहाँ भी एक वॉशरूम आपको मिल जाता है, उसके अलावा यहाँ पर एक ओपन सिटिंग एरिया आपको मिल जाता है, और ये जो आयरन की स्टेयर्स आप देख रहे हैं यहाँ से आप जा सकते हैं टेरेस की तरफ। और जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप इसको इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करवाना चाहें यानी कि एक और फ्लोर बनवाना चाहें या इसको भी पूरा कवर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, तो आप 4 BHK या 6 BHK इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था 90 गज में बना हुआ सिर्फ 55 लाख में इंडिपेंडेंट 3 BHK का घर, और जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ठीक घर के सामने यहाँ पे पार्क आपको मिलने वाला है। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ सेक्टर 124 सनीम क्लेम में ये लोकेशन आपको मिलने वाली है, 100 फुट रोड के काफ़ी क्लोज ये लोकेशन आपको मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं या इस घर को विजिट करना चाहते हैं या इस घर के बारे में पर्टिकुलर कोई और ज्यादा जानकारी आप चाहेंगे तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।